न्यूजीलैंड में चल रहे आईसीसी वर्ल्ड कप अंडर 19 में राजस्थान के युवा तेज गेंदबाज कमलेश नागरकोटी ने अपनी रफ्तार से दुनिया में तहलका मचा दिया है। बता दें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले ही मैच में कमलेश ने जिस रफ्तार से गेंद डाली, उसे देखकर क्रिकेट जगत के बड़े बड़े दिग्गज भी सोच में पड़ गए। अंडर 19 वर्ल्ड कप में कमलेश ने 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाल लोगों को सन कर दिया। इस कामयाबी से कमलेश के पिता लक्ष्म सिंह और उनके परिवार वाले बेहद खुश हैं। कमलेश के पिता ने बताया कि कमलेश ने 7 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया था। उस वक्त कमलेश के कोच सुरेंद्र सिंह राठौड़ आर्मी कैंट में आए थे। उन्होंने कमलेश को देखते हुए कहा कि ये लड़का चटक है, ये कुछ बन सकता है। कमलेश का ज्यादा झुकाव यूं तो शुरू से ही गेंदबाजी की तरफ ही रहा है। हालांकि वो बल्लेबाजी भी करता था, लेकिन गेंदबाजी में शुरू से ही स्पीड अच्छी रही, इसलिए उसने तेज गेंदबाजी पर ही अपना ध्यान लगाया। आपको बता दें, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ग्रुप स्टेज के अपने तीनों मैच जीतकर बांग्लादेश से 26 जनवरी को क्वार्टर फाइनल में भिड़ेगी।